नमस्कार, मैं हूं प्रशांत दयाल सिंह और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। झारखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज INDI के सभी घटक दलों की बैठक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि मणिपुर की शर्मनाक घटना के खिलाफ INDI के सभी घटक दलों द्वारा राजभवन के समक्ष आगामी 1 अगस्त मंगलवार को धरना दिया जाएगा। धरना के पश्चात राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कहा प्रदेश अध्यक्ष ने। सरकार की निकम्मी सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार तो बताती है अपने आप को, लेकिन इस तरह से मणिपुर में महिलाओं के साथ या यूं कहिए आदिवासी महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसको हम इंडिया गठबंधन के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी संदर्भ में बैठक हुई और हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग 1 जुलाई को राजभवन के सामने, 1 अगस्त को राजभवन के सामने 11 बजे से सभी इंडिया के घटक दल के साथी बैठेंगे और इस घटना का विरोध करेंगे। साथ ही साथ सभी जिलों में हम लोग मिलजुल कर इंडिया के बैनर तले उपायुक्त के कार्यालय के सामने धरना देकर के महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और ये मांग करेंगे कि जो मणिपुर में घटना हो रही है वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, साथ ही साथ वहाँ कानून व्यवस्था का राज स्थापित हो। इसके लिए हम लोग केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। जो घटना अभी घटी थी उस पर भी जेएनयू के साथी और अन्य साथियों ने, चूंकि सीपीआई के नेता थे सुभाष मुन्ना जी, उनके प्रति जो सीपीएम थे उनके प्रति संवेदना व्यक्त की गई है और हम लोग इस मसले को काफ़ी गंभीरता से लिए हैं। और सरकार के जो मुखिया हैं हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कानून का राज रहेगा, कोई भी इस तरह की घटना होगी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पिछले दिनों जो विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय आलमगीर आलम साहब ने, माले के विनोद सिंह जी ने और तमाम जो जदयू राजद के साथी सत्यानंद भोक्ता जी ने, सभी लोगों ने मिलकर के ये निर्णय लिया था कि एक इंडिया की बैठक हो और उस बैठक में सब लोग शामिल होकर के अपनी अपनी राय दें। अब मैं आदरणीय आलमगीर साहब से कहूँगा, उसके बाद मेरा आग्रह है कि चूँकि सभी दल से लोग आए हैं तो सभी लोगों की भावना एक एक मिनट के लिए जानेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप सबों से निवेदन, अब सर्व समिति से पास हो गया कि हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में मणिपुर का सवाल लेकर जो अत्याचार और जो घृणित काम हो रहा है सैकड़ों लोग नहीं सैकड़ों लोग मारे गए और महानपुर मणिपुर में लोग हैं अब पलायन कर रहे हैं, विस्थापित लोग कैंपों में रह रहे हैं, वहाँ के दुख दर्द के चलते हम लोग आज बैठक यहाँ रखे और यह बैठक में हम लोग ने पूरा अपने दल दल के सब अपने दल के लोगों को पूरे जिला स्तर पर आज बैठक सब जगह हो रही है और बैठक करके 31 तारीख को संपूर्ण है तो झारखंड प्रदेश में जिला समाहरणालय में एक तारीख को पूरा जिला समाहरणालय में धरना दिया जाएगा और मांग पत्र से महामहिम है जो राष्ट्रपति के नाम से उपायुक्त दिया जाएगा, जो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, विधि व्यवस्था ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए, इसके लेकर हम लोग बैठक किए हैं। और इस तरह का जो घटना के खिलाफ में हमारे अभी मणिपुर गए हैं राज्यसभा के सांसद और लोकसभा जो भी गए हैं सब लोग, वो भी जायजा करके आएंगे और मैं भी आज जाऊँगा कल है तो वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग धरना मांग देने जा रहे हैं केंद्र में भी, केंद्र सरकार के विरोध में वहाँ, और हम लोग बहस की मांग कर रहे हैं लेकिन बहस से भाग रही है बीजेपी की सरकार और नहीं बहस में शामिल होना चाहती है, ये सब है। इसी तरह से पूरे देश में ये जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं संगठन के सब साथी NDA के साथी पूरे देश में इस तरह से बैठ के NDA के सभी साथी इंडिया के सभी साथी करते हैं कर रहे हैं और पूरे देश में इस तरह से तूफान आएगा और पूरे देश में तहलका मचेगा, तूफान की तरह ऐसे संगठन को खड़ा करके इंडिया आगे बढ़ेगा।
चर्चा की बात इन इंडिया के तमाम यहाँ पर उपस्थित है, नेताएं उपस्थित है और आज जिन्हें यही कहा है कि इंडिया के जो घटक दल के तमाम लोगों ने एक सहमति किया है कि ये तारीख 11 बजे गवर्नर हाउस के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जो मणिपुर की जो समस्या है वो दिन ब दिन जो है आग की तरह फैल रहा है। वहाँ पर गवर्न मॉडल नहीं है, वहाँ जो है जो जिस तरह का 4 तारीख की जो घटना घटी थी वो पूरे हिंदुस्तान को संचर करने वाली जो बातें हैं उस बात पर भी सरकार केंद्र सरकार ने कोई एंगल नहीं लिया। आप जानते हैं कि शनिवार को इंडिया के 20 संसद वहां पर पहुंचे हैं, वहां भी देख रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये बात कम से कम केंद्र सरकार के काम तक हम लोग पहुँचाए धरना प्रदर्शन के माध्यम से। इसीलिए 2 कार्यक्रम हम लोग ने लिया। पहला 21 तारीख का जो कार्यक्रम लिए हैं इंडिया गठबंधन के तमाम जो है MLAs जो है उसको एक साथ बैठ कर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे सितम्बर 3 विधानसभा में और दूसरा जो है 11 तारीख को 11 बजे से 3 बजे तक धरना प्रदर्शन। ये हम लोग चाहते हैं कि 90 दिन गुजर जाने के बाद भी मणिपुर की समस्या का कोई समस्या समाधान नहीं किया है और आज जो मणिपुर चल रहा है और जल्द मुझे से कैसे बचे इसका प्रयास हम तमाम इंडिया के तमाम दल हम लोग आज की ये जो महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि मणिपुर में जो घटना घटी उससे आज हम सभी वाकिफ हैं, पूरा देश वाकिफ है और इंडिया गठबंधन के तहत आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। पूरे राज्य में इस गठबंधन के बैनर तले मणिपुर की घटना को लेकर के हम लोग विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं और रांची में विशेषकर राजभवन के समक्ष सभी दल के लोग हम लोग बैठेंगे धरना और प्रदर्शन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी देंगे। केंद्र सरकार को हम लोग इस बात से अवगत कराने का काम करेंगे कि जो घटना मणिपुर में घटी है उस घटना को लेकर के सिर्फ इंडिया गठबंधन ही नहीं पूरा देश और पूरा देशवासी जिस तरह से मर्माहत है, चिंतित है, केंद्र सरकार इस पर संज्ञान ले और मणिपुर की सरकार को अविलंब बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए और इस बैठक के माध्यम से राज्य के 2400 जिले में हम लोगों ने ये संगठन को संदेश दिया है कि उपायुक्त के माध्यम से आप राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपे और उस ज्ञापन में मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करने की आप मांग करें। सभी दल के लोग जो इस गठबंधन में हैं राज्य के सभी जिलों में धरना और प्रदर्शन के माध्यम से ये ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद अगर केंद्र सरकार इसको संज्ञान में नहीं लेती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित रूप से हम लोग अगला कार्यक्रम और अगला कदम इस गठबंधन के तहत उठाएंगे। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।